Next topic is gene expression and gene regulation. Students, what do you mean by gene expression? Gene expression का मतलब होता है कि whenever आपके genes कुछ function कर रहे हैं और उनके function की वजह से आपके nucleus में उस gene का transcription से RNA बना हो and that RNA is going to ribosome and making a specific protein. And that protein or an enzyme is going to perform its particular function. And that is basically a gene expression. जैसे कि आपके genes की वजह से आपके stomach में gastric juice बनाया जा रहा है. तो release of gastric juice or formation of gastric juice from your digestive system is an example of gene expression. आई कलर एक्सप्रेशन, आपकी आंखों का जो कलर एक्सप्रेस हुआ है, आपकी आंखों जो कलर आया है, इज बिकॉज ऑफ योर जीन्स. अगेन, तो जीन ने एक्सप्रेस किया है तब जाके वो कलर आया है. नाउ द सेकंड टर्म इज जीन रेगुलेशन. व्हाट इज रेगुलेशन? नाउ रेगुलेशन कम्स फ्रॉम द वर्ड रेगुलेटर. हमारे घर में इतने सारे अपैरेटस होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो हर एक चीज को कोई ना कोई रेगुलेटर होता है. किसी चीज को रिमोट है तो किसी चीज को रेगुलेटर का बटन दिया हुआ है. जैसे कि फैन को रेगुलेटर, सबसे सिंपल बात करें तो क्या करता है रेगुलेटर? रेगुलेटर कंट्रोल करता है फैन के स्पीड को. फॉर एग्जांपल, फैन के स्पीड को कम करना है, ज्यादा करना है, बंद करना है, रेगुलेटर का मतलब होता है टू कंट्रोल. नाउ जीन रेगुलेशन मतलब ये जो जीन्स है जो एक्सप्रेस हो रही है, डू दे नीड टू बी इन कंट्रोल? या किसी भी जीन को जितना चाहिए उतना एक्सप्रेशन करने को अलाउ करना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके जीन्स आपके इंटेस्टाइन में या स्टमक में जो भी डाइजेस्टिव जूसेस बना रहे हैं उसका कंट्रोल होना चाहिए, या वो जितना गैस्ट्रिक जूस बना रहे हैं या जितना इंटेस्टाइनल जूस बना रहे हैं बनाने देना चाहिए? देयर हैज टू बी सम लिमिट. सो देयर हैज टू बी सम स्टॉप एंड स्टार्ट. सो जीन को एक्सप्रेशन करने से रोकने भी होना पॉसिबल होना चाहिए और शुरू करने को भी पॉसिबल होना चाहिए. सो जीन को एक्सप्रेशन रेगुलेट करना भी पॉसिबल होता है और होना ही चाहिए. अनदर एग्जांपल कि जीन्स हमारे हर एक सेल में है, लेकिन हर सेल में हर जीन एक्सप्रेस होता है या बहुत ही स्पेसिफिकली स्पेसिफिक जीन हर एक सेल में एक्सप्रेस होती है. जैसे कि हमारे स्टमक में जो सेल्स हैं, शुड दे प्रोड्यूस द एक्सप्रेशन ऑफ आई कलर? ऑफ कोर्स नॉट. एंड आई कलर जो वहां पर एक्सप्रेस हुआ है, जो अपने सेल्स हैं आंखों में, शुड दे और वहां के जीन्स शुड दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग गैस्ट्रिक जूस? ऑफ कोर्स नॉट. सो देयर इज अ वेरी कोऑर्डिनेटेड, बहुत ही वेल कोऑर्डिनेटेड एक सिस्टम है अपने बॉडी में, जहां पर जीन्स को कब एक्सप्रेस करना है और कौन से सेल में एक्सप्रेस नहीं करना है, किसमें करना है, इसका सिस्टम है. सो दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज जीन रेगुलेशन. सो इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वन सच एग्जांपल. लेकिन ये जो एग्जांपल हम बात करने वाले हैं जीन रेगुलेशन का, कि कैसे जीन्स को कंट्रोल किया जा सकता है, ये हम बैक्टीरिया का एग्जाम्पल करने वाले. नाउ लेट्स स्टार्ट. जैसे कि हमारे इंटेस्टाइन में, Do you remember or do you know there is a bacteria? जैसे कि इस पिक्चर में आप स्क्रीन पे देखते हो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ये बैक्टीरियाज हैं. आपको मालूम है इसका नाम? ये अपने इंटेस्टाइन को, जिसको हम कोलोन कहते हैं, इसी के ऊपर से उसका नाम गिरा है. कोलोन में प्रेजेंट हुआ जो बैक्टीरिया है, एंड उसका नाम है एशेरिशिया कोलाई. और ये जो ई कोलाई है, इसको क्या इंटेस्टाइन में क्यों रहना है? इट्स एक्चुअली अ काइंड ऑफ सिम्बायोटिक एसोसिएशन. ईकोलाई की वजह से हमारे भी इंटेस्टाइन में डाइजेशन करना इजी हो जाता है, और ईकोलाई आल्सो गेट्स द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड व्हाट वी ईट. हम जो खाते हैं वो उसको मिलता है. कैन ईकोलाई ईट और हैव एवरीथिंग व्हाट वी ईट? क्या वो सब कुछ खा सकता है जो हम खाते हैं? जवाब है यस, खा सकता है. नाउ ई कोलाई में डिफरेंस ये है कि ई कोलाई को डाइजेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती,
क्योंकि हमारा डाइजेस्टेड फूड उसको इंटेस्टाइन में मिल जाता है। इकोलाई की डाइजेस्टिव सिस्टम इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो कॉम्प्लेक्स मटेरियल को बहुत ज्यादा ब्रेक डाउन कर सके। हाँ, थोड़ा सा ब्रेक डाउन हो सकता है, जैसे कि डाइसेक्राइड टू मोनोसेक्राइड में ब्रेक डाउन हो सकता है, मतलब डाइमर टू मोनोमर बना सकता है, लेकिन इट कैन नॉट ब्रेक अ पॉलीमर इनटू मोनोमर बीइंग अ बैक्टीरिया लिविंग इन अवर इंटेस्टाइन। नाउ व्हाट इज द मोस्ट कॉमन न्यूट्रिएंट द ई कोलाई गेट्स इन अवर इंटेस्टाइन? अपने इंटेस्टाइन में द मोस्ट कॉमनली अवेलेबल न्यूट्रिएंट इवन फॉर अस एंड इवन फॉर द ई कोलाई इज नथिंग बट ग्लूकोज। ग्लूकोज मिलता है उसको, लेकिन उसको ग्लूकोज मिलेगा या नहीं मिलेगा वो डेफिनेटली डिपेंड करता है उस इंसान पे, वो इंसान क्या खा रहा है खाने में। अगर उसने ग्लूकोज रिच फूड खाया है तो ई कोलाई को भी ग्लूकोज मिलेगा। अगर उसने कुछ और खाया, ग्लूकोज नहीं खाया, तो उस ई कोलाई को भी ग्लूकोज नहीं मिलेगा। व्हाट इफ द पर्सन हैज स्टॉप्ड हैविंग ग्लूकोज एंड इज हैविंग ओनली लैक्टोज, दैट इज अ मिल्क प्रोडक्ट। अगर वो सिर्फ मिल्क प्रोडक्ट खा रहा है, अगर मिल्क पी रहा है सपोज, तो व्हाट इज द बैक्टीरिया गोइंग टू गेट? इज द बैक्टीरिया गोइंग टू गेट ग्लूकोज और लैक्टोज? नाउ ऑफ कोर्स बैक्टीरिया को अब मिलेगा लैक्टोज। अब प्रॉब्लम इज, जब बैक्टीरिया को लैक्टोज अवेलेबल हो रहा है एंड ग्लूकोज इज नॉट अवेलेबल, तो डोंट यू थिंक अब बैक्टीरिया को लैक्टोज का ब्रेक डाउन करने के लिए एक नए सेट ऑफ एंजाइम्स बनाने पड़ेंगे। ई कोलाई इज नॉट गोइंग टू यूज द सेम एंजाइम्स। अब ग्लूकोज के एंजाइम तो बनाते रहता है वो, लेकिन ग्लूकोज इज नॉट अवेलेबल, तो लैक्टोज ब्रेक डाउन के लिए ई कोलाई हैज टू प्रोड्यूस सम न्यू एंजाइम्स। और ये न्यू एंजाइम्स, मेरा आपसे क्वेश्चन है, ये हमेशा बनते रहने चाहिए बैक्टीरिया में, चाहे लैक्टोज हो या ना हो, या इन एंजाइम्स को तब बनना चाहिए व्हेन ग्लूकोज इज नॉट अवेलेबल एंड लैक्टोज इज अवेलेबल, तब ही इन एंजाइम्स को बनना जरूरी है। तो क्या लगता है आपको? ऑफ कोर्स ई कोलाई को सारे एंजाइम, सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट करने के एंजाइम सब कुछ नहीं बनाने चाहिए। इट डेफिनेटली हैज अ सिस्टम, कौन सी एंजाइम्स को लैक्टोज के प्रेजेंस में बनाना है और उन एंजाइम्स को अगर लैक्टोज नहीं है तो नहीं बनाना है। ये सिस्टम, ये रेगुलेशन उनके सेल्स के अंदर, उनके जीन्स में मौजूद है। एंड दिस रेगुलेशन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि कैसे ई कोलाई डिसाइड करता है कि अगर लैक्टोज आया है तो अब उसके एंजाइम्स बनाने हैं, और लैक्टोज अगर नहीं है तो लैक्टोज ब्रेक डाउन के एंजाइम्स नहीं बनाने हैं। तो हाउ ई कोलाई अंडरस्टैंड्स और रेगुलेट्स द जीन एक्सप्रेशंस, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। और इसका पूरा क्रेडिट जाता है दो साइंटिस्ट को, ये है जेकस मोनोड एंड फ्रांसोइस जेकब। 1961 में उन्होंने बैक्टीरिया के इस जीन रेगुलेशन सिस्टम को डिस्कवर किया था, एंड ऑफ कोर्स दे हैड बीन अवार्डेड विद अ नोबेल प्राइज ऑफ 1965 फॉर दिस डिस्कवरी। इस डिस्कवरी के बारे में जानेंगे, पहले लेट अस अंडरस्टैंड कि जीन जो एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन है उसमें देर आर टाइप्स। टाइप्स में एक टाइप ऐसा होता है जीन्स विच आर ऑलवेज ऑन, कि इनको बंद नहीं करना पड़ता, इनका एक्सप्रेशन रोकने की जरूरत नहीं होती कभी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में कुछ इंस्ट्रूमेंट और कुछ अप्लायंसेज ऐसे होते हैं जिनको हमेशा ऑन रखना पड़ता है, और कुछ अप्लायंसेज ऐसे होते हैं जिनको हमेशा जब जरूरत है तभी ऑन करना पड़ता है। जैसे कि आपके घर में शायद रेफ्रिजरेटर ऐसी एक चीज है which has to be always kept on। फिर आप दो दिन के लिए बाहर भी चले जाओ, एक हफ्ते के लिए पिकनिक चले जाओ, या एक महीने के लिए चले जाओ, फ्रिज को हमेशा ऑन रखना पड़ता है। लेकिन do you keep the air conditioner on all the time? Not at all। Do you keep the fan on all the time? Do we keep the lights on all the time? No। So genes का भी ऐसा ही है, कुछ genes ऐसी होती है जिनका एक्सप्रेशन कभी रोकने की जरूरत ही नहीं पड़ती, दे आर ऑलवेज ऑन लाइक अ रेफ्रिजरेटर इन द हाउस। एंड वेयर एज देयर इज अ सेकंड टाइप व्हिच इज कॉल्ड एज जीन्स व्हिच आर नॉट ऑलवेज ऑन,
they are to be regulated. They are controllable genes. And the always on, jo hai, they are called as housekeeping genes. So these are the two types. So we are going to understand the genes which are not always on. So why they are not always on? Because specific न्यूट्रिएंट या स्पेसिफिक मॉलिक्यूल के लिए वो या तो रुके हैं या तो जरूरत नहीं है. देयर आर टू टाइप्स. या तो मॉलिक्यूल इज नॉट अवेलेबल इसीलिए रुका हुआ है फंक्शन, या तो मॉलिक्यूल इज इनफ अवेलेबल इसीलिए फंक्शन रुका हुआ है. सो देयर आर टू टाइप्स इन द जीन्स व्हिच आर नॉट ऑलवेज ऑन. द फर्स्ट टाइप इज जीन्स आर ऑन व्हेन नीडेड. Genes are on when needed. इनको कहते हैं inducible. And these are mostly required for catabolic purposes. अब catabolic मतलब, for example, किसी भी nutrient अगर cell में आ रहा है तो उस nutrient को break करना पड़ता है उसकी energies निकालने के लिए, energy use करने के लिए. तो breakdown of nutrient होगा तो we definitely call it as catabolic. तो वो particular nutrient अगर है तो ही उसके genes on होती है. जैसे कि जीन्स आर टर्न्ड ऑन व्हेन न्यूट्रिएंट बीइंग ब्रोकन डाउन इज प्रेजेंट. जैसे कि मैंने अभी अभी एग्जांपल दिया आपको लैक्टोज. अगर बैक्टीरिया को लैक्टोज मिल रहा है तो वो जीन्स ऑन करेगा उसके ब्रेकडाउन के लिए. लेकिन अगर लैक्टोज नहीं है तो उसको वो ऑफ रखता है क्योंकि न्यूट्रिएंट इज नॉट अवेलेबल. सेकेंड टाइप इज जीन्स ओनली टर्न्ड ऑफ एज नीडेड. मतलब कोई न्यूट्रिएंट बनाने के लिए, मतलब न्यूट्रिएंट अगर कम है तो ही वो ऑन होते हैं. फॉर एग्जांपल टीआरपी ऑपेरॉन इज एन एग्जांपल. टीआरपी इज एन एमिनो एसिड, ट्रिप्टोफैन. ये एमिनो एसिड सेल्स में बनते हैं तो अगर वो एमिनो एसिड इनफ अमाउंट में है तो उसके जो जीन्स हैं उनको ऑफ रखना चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट बना के उसका सेल में कोई फायदा नहीं. तो जब न्यूट्रिएंट खत्म हो जाए या कम हो जाए तब वो जीन्स फिर से ऑन हो जाती हैं. सो रिप्रेसिबल जीन्स दे आर कॉल्ड एज जीन्स आर ओनली टर्न्ड ऑफ एज नीडेड. इट्स एन एनाबॉलिक, मतलब यहां मॉलिक्यूल बनाने के लिए किया जाता है. सो सिंथेसाइजिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट. सो जीन विल टर्न ऑफ व्हेन इज न्यूट्रिएंट इज प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट, देयर इज नो नीड टू सिंथेसाइज इट. सो दैट्स एग्जांपल टीआरपी ऑपेरॉन. नाउ इन आवर सिलेबस वी आर गोइंग टू चेक द इंड्यूसिबल टाइप. That is lac operon. So let's understand the lac operon. I'll repeat. Lac operon is on whenever lactose is to be broken down. And as I told you, E. coli को क्या available है क्या नहीं है accordingly decide करना पड़ता है या accordingly it is managed how to turn it on and off. So let's understand lactose breakdown. So जैसे कि the first gene for breakdown of lactose, for metabolism of lactose is gene Z. Now, Z is a name of a gene. Z gene is necessary for making an enzyme jiska naam hai beta galactosidase. Z se banta hai ek enzyme beta galactosidase which is necessary to break down the lactose into glucose and galactose. The second gene is gene Y. Now, Y gene is necessary for making an enzyme named permease. I said permease, naam se malum padta hai ki it is basically for permission. Permission for what? Now, cell mein lactose enter karne ke liye, it needs permission. So, agar the bacteria needs lactose to be taken inside the cell, the permease enzyme is necessary to allow the lactose to enter the cell. And the third gene is gene A. Gene A is responsible for making an enzyme called as transacetylase, which is necessary to transfer the acetyl group later on in the process of lactose metabolism. Now, don't you think ye teeno genes, they are only required for lactose metabolism. Agar lactose nahi hai, to teeno genes ka koi bhi use nahi hai bacteria ke liye. So, as I said, agar lactose hai, to hi inko इन जीन्स को एक्सप्रेस करना चाहिए. अगर लैक्टोज नहीं है तो इनको एक्सप्रेशन करने का कोई फायदा नहीं है. तो इनका एक्सप्रेशन ऑब्वियसली
साथ में होगा या वन बाय वन होगा? तो साथ में ही होगा, बिकॉज इनकी सभी की रिक्वायरमेंट सब आती है जब लैक्टोज इज प्रेजेंट। तो तीनों का एक्सप्रेशन साथ में करने के लिए, टू एक्सप्रेस ऑल ऑफ देम टुगेदर, दे हैव अ जीन कॉल्ड एज अ वेरी स्मॉल जीन कॉल्ड एज द ऑपरेटर जीन। नाउ दिस इज द ऑपरेटर। नाउ जेड वाई इज कॉल्ड एज अ स्ट्रक्चरल जीन, वेयर एज द वन विच इज गोइंग टू हेल्प देम इन एक्सप्रेसिंग ऑल ऑफ देम थ्री टुगेदर इज कॉल्ड एज एन ऑपरेटर। और ऑपरेटर का और इन जीन्स का एक ट्रांसक्रिप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रमोटर तो होना ही चाहिए। एवरी ट्रांसक्रिप्शन हैज टू हैव अ प्रमोटर। इफ यू रिमेंबर इन द ट्रांसक्रिप्शन वी डिस्कस्ड अबाउट प्रमोटर व्हिच इज नेसेसरी टू स्टार्ट ट्रांसक्रिप्शन। सो इनका भी एक प्रमोटर है एंड अलोंग विद देम दे हैव अ जीन, क्योंकि मैंने कहा था ये दीज जीन्स आर नॉट ऑलवेज ऑन, तो इनको ऑन ऑफ करने के लिए देयर इज अ स्पेशल जीन विद देम कॉल्ड एज जीन आई, जिसका नाम है रेगुलेटरी जीन्स। सो रेगुलेटरी जीन्स रिमेंबर, एंड रेगुलेटरी जीन के पास भी खुद का प्रमोटर होता है, बिकॉज उसका एक्सप्रेशन और इन जेड वाई का एक्सप्रेशन अलग अलग है, दोनों का अपना अपना प्रमोटर है। ओके, एंड दैट्स वाई ये जो आपको दिख रहा है जेड वाई ए, तीन जीन्स ऑल थ्री ऑफ देम आर गोइंग टू एक्सप्रेस टूगेदर। कैन आई से दिस इज इन बैक्टीरिया विच वी यूजली कॉल इट एज पॉलीसिस्ट्रॉनिक टाइप ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे तीन जीन साथ में ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करेंगे, इसीलिए इट इज कॉल्ड एज पॉलीसिस्ट्रॉनिक। एंड यूकैरियोट्स में इट इज ओनली वन प्रमोटर एंड वन जीन एक्सप्रेसिंग इनटू वन प्रोटीन, इट इज मोनोसिस्ट्रॉनिक। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन एक्सप्रेशन, क्योंकि तीन जीन्स है जेड वाई एंड ए, ऑल थ्री आर गोइंग टू एक्सप्रेस। सो इसको ये जो स्ट्रक्चरल जीन्स, तो द वन विच इज एक्चुअली गोइंग टू परफॉर्म द मेटाबॉलिज्म, लेकिन जो बाकी के जीन्स है प्रमोटर्स एंड ऑपरेटर्स एंड रेगुलेटर्स है, उनको हम कहते हैं कंट्रोल एलिमेंट्स। एंड ऑल दीज जीन्स जो आपके सामने है, स्ट्रक्चरल जीन्स कहो या आप कंट्रोल एलिमेंट्स या प्रमोटर ऑपरेटर, ऑल ऑफ देम आर दे नॉट ऑल रिलेटेड टू लैक्टोज मेटाबॉलिज्म, एंड हेंस ऑल ऑफ देम बिकॉज दे आर रिलेटेड दे आर ऑल टूगेदर कॉल्ड एज वन ऑपेरॉन। सो ऑपेरॉन इज ऑलवेज मेड अप ऑफ two types of regions, structural genes and control elements, and control elements can have promoters, operators and regulatory genes. Now this operon on the screen is only related to lactose metabolism, that is why iska naam rakha hai lac operon. So let's understand the working of lac operon. Now the first condition, before that usually what happens ki agar lactose is present, I hope you remember that DNA is going to do transcription and make RNA, and then RNA is going to make these enzymes, and then the lactose is going to get metabolized. But for that to do transcription, the genes require an enzyme. Now what is the name of the enzyme necessary to do transcription? It is the RNA polymerase. So RNA polymerase is necessary to do transcription. Now RNA polymerase is now ready to do transcription, suppose. Now look at the operator gene. Is it free or blocked for doing transcription? Now here, right now, it is not been blocked by anything. Hence, it is free to do transcription and translation. And let us see, whenever it is free, when the switch is on, the RNA polymerase synthesizes the RNA and translation occurs and the enzymes are produced. And lactose metabolism will start, right? So these are the three enzymes which are necessary. I'll repeat: beta galactosidase is for breakdown of lactose into glucose and galactose. Permease is to allow the lactose inside the cell, and transacetylase is for transferring the acetyl group. So let's check the first condition. Now there are going to be four conditions. The first condition is, what will happen when glucose is present with the bacteria and lactose is not present? Agar bacteria ke paas glucose hai aur lactose nahi hai, to usko kya karna chahiye? Now, sabse important, how the lac operon operates. Now, first of all, the regulatory gene starts transcription and makes a mRNA called as repressor mRNA.
Now this repressor mRNA is going to do translation and are going to make a special protein called as repressor protein. Now this repressor protein, now because lactose is absent, this operon need not start its transcription. The structural genes should not do transcription. If they should not do transcription, lactose agar absent hai to kyun waste karna enzymes? So this operator has to be blocked. Now, how the repressor protein is going to block the operator? Let us see the repressor protein. It is going to block the operator. And if the operator is blocked, what will happen to the operon? Now, is it on or off? It is off. And because it is off, RNA polymerase, can it come and do transcription of Z, Y, and A? It cannot. It will not be able to do any transcription, hence there won't be any enzyme production because lactose is absent. So this is a condition in which glucose is present, lactose is absent. So bacteria can very well use the glucose and live its continue its metabolism with glucose. Let's move on to the second condition. Second condition is when glucose is absent and lactose is also absent. Abhi lactose agar absent hai, toh ye enzyme banane ka koi fayda nahi. So again, the same thing is going to happen. The regulatory gene is going to make repressor mRNA and it is going to make the repressor protein. This repressor protein is going to block the operator and thus RNA polymerase will not be able to do any transcription and translation and thus enzymes will not be produced. So this is the condition in which glucose is absent and lactose is absent. Now move on to the third condition. When glucose is absent, matlab abhi bacteria ke paas aur koi chara nahi hai, usko lactose ko use karna padega because lactose is present. Ab usko ye genes ke in production karna, ye genes se enzyme banane padenge aur lactose ko breakdown karna padega. It has to use lactose, varna bacteria bhooka mar jayega. So let us understand what is going to happen with the condition now. So repressor protein is there. Now repressor protein hai, but lactose bhi present hai abhi. Ab is operator ko on rakhna hai, off nahi karna hai. Now what happens? Now remember, whenever lactose is present, to bacteria and glucose is absent, so bacteria is going to allow the lactose inside. अब सवाल है कि अगर लैक्टोज को अंदर लेना है तो रिमेंबर एक एंजाइम का नाम बताया था मैंने जिसकी वजह से लैक्टोज अंदर आता है. द नेम ऑफ द एंजाइम वाज परमीएज. नाउ परमीएज वंस इट अलाउज द एंट्री ऑफ लैक्टोज. अब आप सोचोगे सर परमीएज तो बना ही नहीं है, बट रिमेंबर सेल में बहुत ही लो लेवल पर लो अमाउंट ऑफ परमीएज इज प्रेजेंट. इवन इफ द process is off, some amount of permease is present and wo permease, it allows some lactose molecules to come inside. One of the lactose molecules converts into an isomer allolactose or jisse banta hai ek inducer. The allolactose becomes one inducer and look at the inducer on the screen. It is going to come and block the repressor and repressor is now going to become inactive. Now students, agar repressive inactive hai, now what will happen to the operator? The operator will be free or blocked. Now whenever the repressor is inactive, definitely it is not be able to block the operator, but the operator will remain free and it will be on. And if the operator is on, what will happen to RNA polymerase? Now RNA polymerase will get activated by special enzymes and proteins and it is going to conduct the necessary transcription, translation and make the mRNA, jiska naam hai lac mRNA. Lac matlab lactose, so tino ka lactose mRNA aur tino ka translation ho gaya aur usse tino enzyme ban jayenge and lactose metabolism is going to start. So this is how happens when glucose is absent and lactose is present. This is called as a positive regulation by induction of expression. And move on to the last condition. Now, last condition is when glucose is present and lactose is also present. Ab, when glucose is present, so don't you think E. coli actually does not need lactose? But you know, lactose bhi present hai.
तो ऐसे टाइम पे व्हाट शुड हैपन? इन सच टाइम्स आल्सो द लैक्टोज कन्वर्ट्स टू एलोलैक्टोज, द एलोलैक्टोज बिकम्स इंड्यूसर, इट इनएक्टिवेट्स द रिप्रेसर एंड इट स्टिल इज नॉट एबल टू बाइंड टू द ऑपरेटर, स्टिल द ऑपरेटर इज गोइंग टू डू ट्रांसक्रिप्शन. यहां भी ट्रांसक्रिप्शन होगा, बट देर इज अ स्मॉल कंडीशन देर. द कंडीशन इज आरएनए पॉलीमरेज इज स्टिल गोइंग टू मेक दिस प्रोसेस, बट द डिफरेंस इज गोइंग टू बी दैट दैट हियर द ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन लेवल्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी लो. अ वेरी नेग्लिजिबल ट्रांसक्रिप्शन अकर्स एंड वेरी लेस अमाउंट ऑफ एंजाइम्स आर प्रोड्यूस्ड फॉर लैक्टोज ब्रेकडाउन. सो बैक्टीरिया गिव्स प्रायोरिटी टू ग्लूकोज बिकॉज breakdown of glucose and metabolizing glucose is much easier than the lactose because glucose is a monosaccharide and lactose is a disaccharide. So this is how the operon works. So I hope you have understood lac operon when lactose is present and glucose is absent, the operon is on, and when glucose is present and lactose is absent, the operon is off, and the other two conditions also. So that's with gene expression and gene regulation. So this is how the gene is regulated in case of E. coli bacteria.